ऑन किया मैंने। सीए के योग के लिए क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भैया हाई शिक्षा तो चाहिए, तो पांचवा घर तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पांचवा घर तो आपका है ही, और आज के समय में आपको पता है सीए की सैलरी कितनी है, तो उसके लिए आपको धन योग बहुत बढ़िया है। क्योंकि सीए पहले तो सीए अगर बनना बहुत मुश्किल है, बन गए तो फिर उसकी सैलरी के लिए तो फिर सारी जिंदगी भी आपको ऐश। सेकंड हाउस, 11th हाउस बहुत बढ़िया रहेगा, सेकंड हाउस 11th हाउस ऐसे इंसान का अच्छा पैसा है, जहां तक मैंने भी देखा है, क्योंकि तो कुछ प्रतिष्ठा भी मिलती है, प्रसिद्धि, नेम फेम, पैसे की कमी नहीं होती सीए के पास। और दिमाग बढ़िया चाहिए तो सबसे लिए इसके लिए फिफ्थ हाउस का संबंध होना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस का संबंध हमारा बुद्धि से है, हमारा दिमाग से है। और साथ में अगर इनका संबंध अगर 10th और 11th से भी आ जाए तो सीए के और अच्छे योग बनते हैं। दूसरा है हमारा पैसे का हाउस, धन का, क्योंकि सीए का देखो अकाउंट का काम तो धन से जुड़े का ही काम है। कैलकुलेशन अगर आपने हिसाब किताब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किस चीज का करना है, पैसे का ही करना है, तो इसमें सेकंड हाउस भी इनका बहुत रोल है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कई बार कुछ ऐसे कानून और मुकदमे से बचने के लिए भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं, तो उसके लिए हमारा सिक्स हाउस भी कई बार आप देखोगे कि आप कई बार फंस भी जाते हो, तो सिक्स हाउस का रोल भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कुंडली में अगर अच्छा होता है तो आपको ऐसी तरह की चीजों से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरह से भी निकाल के ले आता है वापस। दूसरा 10th हाउस तो आपका है ही, और एक इसके अंदर हमने 12th हाउस भी बहुत जरूर लेना है, क्योंकि 12th हाउस है हमारा टैक्स, 12th हाउस है हमारा कर। और हम लोग देखो भरते क्या है, हम लोग तो सिर्फ टैक्स ही भरते हैं, और उसकी जो कैलकुलेशन है अप वो प्लस माइनस करना, ज्यादा को कम में परिवर्तित करना, ये सब सीए का ही काम है। अगर सीए का 12th हाउस इतना अच्छा है तो नेचुरली वो हमारे इतने सारे बड़े टैक्स को कम कर देगा। और दूसरा हमारे सीए का काम क्या होता है, सलाह देना कि आप अपने अकाउंट को ऐसे मैनेज करो, इसको किराए का बना दो, इसको यहाँ से ऐसे घुमा दो, वैसे घुमा दो, बाकी और चीज प्लस माइनस आप बता सकते हो मुझे, तो उसके लिए सलाह के लिए भी हमने 5th हाउस जरूर लेना है। तो हमारा 2nd हाउस था, 6th हाउस था, 10th हाउस है, 12th हाउस है और 5th हाउस है। ये अगर हाउसेज हेल्प करते हैं हमारी अच्छे स्ट्रॉन्ग बन के, तो हमारा चार्टर्ड अकाउंट का सपना जो सलाह के लिए 2nd हाउस है, इसके लिए सलाह के लिए कौन सा हाउस है? सलाह के लिए 5th हाउस है ना। अच्छा, सॉल्यूशंस 5th हाउस है, सलाह 5th हाउस है। अच्छा, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए भी 5th हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सलाह देते हैं ना हम लोगों को। 2nd हाउस धन के लिए, पैसे के लिए, क्योंकि अकाउंट का काम सारा पैसे से जुड़ा है जी। प्लैनेट्स के अंदर क्या आता है, सबसे बड़ा प्लैनेट में आता है आपका मरकरी, यानी कि बुध, क्योंकि बुध क्या है, हिसाब किताब है, बुध क्या है, अकाउंट भी है, बुध क्या है, आपका खाता भी है। तो ये सब प्लैनेट से कहीं ना हाउसेस का रोल कहीं ना कहीं हमारा मरकरी से भी जरूर आएगा। दूसरा हमारा प्लैनेट आता है जुपिटर, पीटर हमारा भी धन का कारक है और सलाह का सलाहकार भी हो गया। हाँ, सलाहकार भी जुपिटर है, परामर्श देना लोगों को, उसके लिए जुपिटर का रोल बहुत बड़ा है। इसके अंदर नेक्स्ट प्लैनेट आता है कि अब लोगों का काम, सीए से लोग क्यों जुड़ते हैं, टैक्स बचाने के लिए जुड़ते हैं, अपने हमारे ऊपर आई मुसीबतों के लिए जुड़ते हैं, तो नेचुरली बात है सैटर्न जो है वो टैक्स बचाने का कारक है। कुंडली के अंदर अगर शनि और मंगल, जिसको हम बहुत खराब योग बोलते हैं, अगर सैटर्न और मार्स का संबंध 2nd हाउस से बन जाता है, तो ऐसे में इंसान जो है सामने वाले को लड़ने से कि कैसे लड़ाई करनी है, चाय दे देना, ये दोनों प्लैनेट उसको सलाह देते हैं कि आपने अपनी मुसीबतों से कैसे लड़ना है। तो आपका ये सब संबंध अगर जुपिटर से, मरकरी से, सैटर्न से बन जाता है, तो आपका ये चार्टर्ड अकाउंटेंट योग बहुत है। बाकी हमारा वो एक अमात्य कारक तो प्लैनेट है ही, जो हमें प्रोफेशन की डायरेक्शन बताता है, उसका संबंध भी अगर इन हाउसेस से बन जाए तो। अगर मैम जैसे कोई भी योग नहीं बन रहा, मान लो किसी बंदे का कोई भी योग नहीं बनता, उसको अगर बनना है अकाउंटेंट 1%, ठीक है, अकाउंटेंट बनना है, तो अगर अमात्य कारक खाली स्ट्रांग आ गया तो उसको सलाह दे दे कि तू बन जा, कर लेगा। देखो अमात्य कारक पूरा 10 चार्ट को दिखाता है, पूरा 10वां घर ही अमात्य कारक है,
अच्छा मध्य कारक ही एक ऐसा ग्रह बन जाए जो कि हमारा 10th हाउस से भी संबंध बना ले, आपका 5th से संबंध बना ले, 2nd हाउस से संबंध बना ले, किसी भी संबंध बना ले, क्योंकि हर एक ग्रह की किसी सॉरी किसी ग्रह की दो दो राशि भी तो है ना। अगर क्योंकि आप बुध को देख लो, ऑडिट और अकाउंट का बुध है तो दो राशि तो बुध भी दे देता है आपकी। मंगल और शनि है जो आपकी टैक्स बचाने के लिए हेल्प करते हैं। सूर्य अगर आता है आपका कहीं ना कहीं तो वो कॉर्पोरेट के कानून और सरकारी में जो है उसके अंदर हेल्प कर देगा आपकी। और जुपिटर तो आपका बैंक और फाइनेंस तो है ही है ही। तो ये सब योग हो, इसमें सूर्य का, इसमें सूर्य का कोई रोल नहीं है ना। सूर्य का ना कॉर्पोरेट के अंदर होता है ना, इसमें नहीं है। है अधिकारी है तो वो सब उसके अंदर सन जरूरी है। इसमें सन है अकाउंटेंट में नहीं। कॉर्पोरेट के अगर आप देखो, सूर्य भी चाहिए आपको, बड़ी उपलब्धि नेम फेम चाहिए। हमें ऐसा वकील बनना होता है कि हमें लोग सर्च करें, हमारे नाम को पहचाने। उसके लिए सूर्य नहीं होगा तो वो नेम फेम कैसे आप ले आओगे अपनी लाइफ में। नहीं मैं अकाउंटेंट के लिए पूछ रही हूँ। अकाउंटेंट के लिए देखो, मैं अकाउंटेंट के लिए फिर बता रही हूँ, अगर आपको किसी भी फील्ड में फेम चाहिए, चाहे वो अकाउंटेंट है, वकील है, आईएएस है, कुछ भी है, सूर्य तो फेम समझ गए। हाँ तभी आप आगे बढ़ोगे ना। समझ गए। इसका काम है आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाना सूर्य का। किसी भी लाइन में चले जाओ, सूर्य तो जरूर चाहिए। कॉन्फिडेंस विल पावर आपको देता है। चार्टर्ड अकाउंट का अगर आपके पास अभी फिलहाल कोई चार्ट है तो हम लगाएं। आपने पहले बोला नहीं था तो सही, लेकिन पूछा ही नहीं मैंने। आपको ग्रुप में दे रखा है और उसको भेजो। मैंने तो खाली आईएएस ऑफिसर का दे रखा है। आईएएस का हम इसके बाद लगा रहे हैं। तो ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के योग है। बाकी होरोस्कोप दोगे तो हम होरोस्कोप के साथ डिस्कस भी करेंगे।